स्क्वाड कैसी भी हो सिर पर रखकर हथियार लूट लेंगे उनके थ्री लेवल के बैग जिसने हमारी तरफ बढ़ाए कदम दुश्मनी के लिए झरकी में पड़े हैं उनके लैग। नफरत नगर के दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे BGMI वाले भाइयो। तो भाइयो आज जो मैं वीजा लगा कर आ गया था भैया ड्रैगन विलेज का, और आज यहाँ पर ऐसी तबाही मचने वाली है जिसे देखने के बाद आपको पूरा 250 किलो मजा आ जाएगा। पहले तो इसको पनिशमेंट देते हैं जो नियत से भाग रहा है। अब ये बेचारा अकेला घुसा था भैया हमारे इलाके में तो इसका तो चलान कट गया, और ये लो भाई इनका भी प्रसाद बट गया। अब एक को तो नोक कर दिया और एक बंदा वहां छिप रहा था भाई इसको भी टपका दिया, और ये बेचारा शायद बदला लेने के लिए आया था। अरे भाई किलचोर कभी धुम्मा ठा दे धुम्मा, अरे उठ गया धुम्मा। अब ये मैच जो है मेरा डुओ वर्सेस स्क्वाड का था, और इसमें ना भाई मेरे बहुत सारे किल चोरी होने वाले हैं। तो जो भी मेरा किल चोरी हो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है भाई दोनों पैर जोड़ के कि भाई जो भी मेरा किल चोरी हो उसे जो है आप मेरे ही खाते में लिख लेना। ये जो किल चोरी हो उसे खाते में लिखने की जॉब बोटली को दे दो भाई, किल चोर हमें नहीं चाहिए। अब ये मोड मुझे जो है भाई अच्छा तो लगा क्योंकि इसमें लूट भी भर भर के है और बंदे भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इस वाली जगह पे ना भाई किल भी बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। वैसे इस जगह पे जंप करने का एक फायदा है कि आपको ऑटो रिकॉइल मिल जाता है यहाँ पर, तो जब ये BGMI में आएगा तब ट्राई करेंगे भाई इसके डेली गेम प्ले डालने की। अभी एक बंदे को सामने नॉक कर दिया था, और ये देखो भाई ये इसको बचाने के लिए जा रहा था लेकिन इसकी हेल्थ कम थी तो एक दो गोली लगी और ये भी नोक। पर उस साइड एक दूसरा बंदा था भाई जिसने किल चोर के ही किल चोरी कर लिए। मेरा ना कुछ दिन से मूड कर रहा है कि मैं अपना नाम ही चेंज कर लूँ भाई। भाई ये किल चोर नाम रख तो लिया लेकिन मैं आजकल किल नहीं चोरी कर पा रहा, आज तो भाई मेरे ही किल चोरी कर रहे हैं बंदे। कुछ मैच में ना भाई मैं शॉटगन वालों से इतना गंदा मरा हूँ कि मुझे शॉटगन से एलर्जी होने लग गई है भाई। हम जब शॉटगन यूज करते हैं तब तो बंदे को लगती नहीं, और भाई सामने वाले बंदे की इतनी गंदी चिपकती है कि बस क्या बताएं। अभी यहाँ पर एक बंदा और फंस गया था भाई, तो इसका तो चलान कट गया लेकिन इसके कुछ टीम मेट और भी थे, और देख रहे हो यहीं पर हमारे आज 7 किल हो गए थे। चुरा लिया क्यों तुम्हें अब भी कोई शक है इरेंगल की बोटली पर सिर्फ किल चोर का हक है। अब मुझे तो लग रहा था कि सभी के सभी टपक गए लेकिन एक बंदा जो है सामने वाले टावर पे छिपा हुआ था, और कुछ बंदे पीछे से भी आ गए थे तो यहाँ पर मरने के हमारे पूरे पूरे चांस थे, इसलिए सबसे पहले तो मैं अंदर आता हूँ। अब ये भाई साहब जो है डर के ही भाग गया था। वैसे आप क्या चाहते हो यार अगर BGMI में नया मोड आए तो ये वाला मोड आना चाहिए या फिर वो डायनासोर वाला मोड। वैसे डायनासोर वाले मोड में भी आपको बहुत सारे किल भी मिल जाएंगे, अच्छी लूट भी मिल जाती है वहां पर भी, लेकिन इसमें ना आपको और अच्छी लूट मिल जाएगी। इसमें आपको रिकॉल भी दो दो तीन तीन बार मिल जाएगा यार विश मांगने से ड्रैगन से, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा भाई ये वाला मोड। लूट भी मस्त है इसमें, ड्रैगन बहुत मस्त लूट दे देता है, और मुझे तो भैया बस लूट चाहिए और बंदों को कूट चाहिए, मतलब बंदे चाहिए ताकि हम उनको कूट सके। अभी जो है वहां से तो हम आ गए थे सामने एक बोटनी को और नोक कर दिया था भाई। किल्चर अब तो तुम खुद मारते हो बोटनी को, पहले बोलते थे कि अगर आई बोटनी पर कोई भी आंच तो लाशें बिछा दूंगा पूरी पांच, तो दोर और किल्चर कुछ और था भाई। वैसे कुछ भाई बोलते हैं कि भाई किल्चर पहले की तरह वीडियो नहीं डालते, तो यार देखो पहले की तरह ना तो गेम रहा ना पहले की तरह मोड आते तो मजा भी नहीं आता यार बिना मोड के। यार देखो पहले तो खेल लेते थे लेकिन फिलहाल जो है हमारी आदत बिगड़ चुकी है। पहले मोड नहीं होते थे, रिकॉल भी नहीं होता था, तो मैच भी इंटेंस होते थे, ये सोचते थे कि कहीं भाई टपक जाए फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मोड वोड आने लग गए और फिर हमें मोड की ऐसी आदत लगी कि अब बिना मोड के तो भैया खेलना ही नहीं जाता। अब पीछे बंदा था यहाँ पर, मैं ये पावर यूज करता हूँ और ये देखो भाई कैसे भाग रहा था यार क्रिस की तरह, तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट को तो बचा लेता हूँ लेकिन ये बंदे जो है कहीं कहीं छिपे हुए थे। अब एक बंदा इस साइड से आया और लो भाई गया ये बेचारा, तो
अब इसका एक टीममेट ना पहले तो इसे बचाने के लिए आ रहा था भाई, लेकिन फिर इसका मूड चेंज हो गया और ये यहाँ से उड़ गया। पहले तो मैं हेल्थ लगाता हूँ यहाँ पर। भाई पहले मुझे लग रहा था कि ये बंदा यहाँ पर ब्रोकन वॉल के पास है, लेकिन ये भाई साहब जो है कहीं कैंप करके बैठ गया था। मैं फिर से उड़ता हूँ और ये देखो यार उस साइड से जो है भैया फायरिंग हुई और बच गया मैं, मेरे प्राण निकल जाते। वैसे भी हम तो डू ओवर से स्क्वाड खेल रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं उड़कर यहाँ आता हूँ और ये बंदे थे भी ट्रिपल स्टोरी में। वैसे इस मोड में मजा आने वाला है भाई, जैसे आप स्पाइडरमैन बनकर कहीं भी जा सकते थे, इसमें भी आप वैसे ही उड़ सकते हो और बंदों की ऐसी की तैसी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर दो ही बंदे थे, इनको तो मैं मार देता हूँ। नेड कर रही हूँ। तो करो ना, पागल हो गए हम भाई साहब से। कर दिया, कर दिया। अरे अब इस बंदे को मैं नोक करके भैया काम ही हम यहाँ पावर से टपका देता हूँ। वैसे आप ये भाई कभी भी यूज मत करना जब BGMI में ये आ जाए, क्योंकि ये पावर आपको मरवा भी सकती है। ये बस वहाँ काम आती है जहाँ पर बंदा किसी और साइड देख रहा हो और आपको वैसे मजे लेकर मारने हो भैया इससे, या फिर बहुत ज़्यादा दूर हो और आपने इसकी पावर बढ़ाई हो ड्रैगन से पावर लेकर, या फिर भाई आप नोक वाले बंदे को मार के उसे तड़पा तड़पा के टपका सकते हो, ये कर सकते हो। वैसे अगर सामने बंदा हो ना तो इस पावर का यूज मत करना भाई सच में। अब मैं KR वर्जन खेलता हूँ, इसे खेलने में मजा तो आता है, लेकिन भाई कभी कभी ना डिसिंक होती है, ऐसा लगता है कि एकदम से पिंग हाई हो गई हो। कभी तो दिखती भी नहीं पिंग हाई, कभी कभी दिख भी जाती है और बहुत गंदे तरीके से टपकते हैं भाई हम। यहाँ तो बच गया था खैर मैं। अभी एक काला नाग सामने लेटा हुआ था और इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन ये वाला किल जो है सनाया को मिल गया भाई। अब मुझे नहीं पता ये वाला किल जो है आप मेरे खाते में लिख लेना, इसके खाते से काट दो भाई, इसको जरूरत भी नहीं है वैसे भी किल की। अब ये वाली कार का आप कहीं भी यूज कर सकते हो, देख रहे हो भाई मतलब मजा आने वाला भाई। मुझे सच में ये वाला मोड देखो मुझे तो अच्छा लगा, कुछ को शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन मुझे तो भैया मस्त लग रहा है। गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं ढूंढने की, लूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक बंदा तीन तीन बार भी मिल जाएगा इसमें आपको, तो मजा आने वाला है। बस अभी वेट है कि कब ये BGMI में आए और कब फिर हम फिर से तबाही मचाना स्टार्ट करें। फिलहाल तो BGMI में भाई बस वही मोड खेलना, कभी TDM में लगे रहते हैं यार, थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया सच को तो, और आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर एक बंदे को तो मैं टपका देता हूँ और स्नायनोक हो गई थी, उस साइड भी बंदे थे। अब यहाँ पर देखो भाई हम क्या ही बचे हैं, ये वाली कार नहीं होती ना भाई ये जो भी है तो आज हम पक्का मर जाते हैं यहाँ पर। Thank you. अब ये बंदे गुंडों की तरह घूम रहे थे भाई हमारे चारों ओर और सामने से भी फायर पड़ रही थी, तो सबसे पहले तो मैं इनको बिठाता हूँ बिना हेल्थ लगाए और एकदम से बूस्ट दबाता हूँ और भाई हम जोन से बाहर। बंदे आ गए थे लेकिन हम बच गए, तो ये वाली भाई मुझे कहीं ना कहीं तो मस्त लगती है। और इसमें ना सामने से भी गोलियां नहीं पड़ती लेकिन साइड से बहुत गंदी पड़ती है भाई, कभी कभी मरवा भी देती है, फायदे भी है नुकसान भी है भाई इसके। अब मुझे यहाँ से निकलना नहीं था, मुझे पहले तो भैया इनको टपकाना था यहाँ पर भाई, मजा आ रहा था। छोटा सा सर्कल था और बंदे बहुत थे। अब एक चुन्नू भाई साहब मुझे सामने भागते हुए दिखाई दिया और ये लो भाई ये थी ब्यूटी क्वीन। भाई ब्यूटी पार्लर में रहती होगी सारा दिन, खैर इसका भी जो है हमने वीजा लगा दिया था ब्यूटी पार्लर का। और अभी इसके कुछ टीममेट थे, ये देखो भाई कैसे टपका ये बंदा, जैसे ही मुझे फायर करके टपकाने की सोच रहा था मैं इसका बूस्ट दबा देता हूँ और वो बंदा एकदम से खत्म। अभी आ गए थे हम नई कार लेने के लिए लेकिन ये चल नहीं रही थी, इसका इंजन खराब है भाई। भाई।
अगर मैं रैंक पुश कर रहा होता और मेरा दिल कमजोर होता तो जिस तरह से बंदा निकल कर आया ना भाई, मुझे लग रहा है कि मेरे फेफड़ों में टैग आ जाता और मैं सीधा हरिद्वार मिलता। खैर बच गया, यहाँ पर एक पापा का हेलीकॉप्टर बनकर ऊपर आ गया था, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको सुतड़ी बम से टपकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बच गया भाई। अब मेरे दिमाग में हलचल हुई और मैं भी यहाँ पर पापा का हेलीकॉप्टर बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा नहीं था भैया 20 साल का। और जैसे ही मैं एक का मीहा मीहा पावर यूज करता हूँ, मेरी मीहा मीहा बना दी भाई इस बंदे ने। भाई सामने से ये पावर कभी भी यूज मत करना यार, बंदा बहुत गंदा मारता है यार, जब तक ये चलती है हमारी बैंड बच जाती है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें पापा का हेलीकॉप्टर बनना नहीं चाहिए, वो काम पापा की परियों का है, पापा के हेलीकॉप्टर को गन से ही मारना चाहिए। तो अच्छी बात, अभी आपको कुछ तो सीखने को मिला। अब यहाँ पर जो है मैं तो टपक जाता हूँ, 18 किल हो गए थे और आप कुछ मेरे खाते में वैसे भी लिख लेना भाई जो मेरे चोरी हो गए थे। अब कुछ देर में ये भी टपक जाती है तो बट सुहा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको। तो आप क्यों गए थे ऊपर भाई?